नमस्कार, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि FPO बनाने के लिए क्या प्रोसेस होता है और उसमें आपको किसानों को ऐड करने के लिए कौन से 10 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत रहती है। तो FPO बनाने के लिए आपको 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की आवश्यकता होती है, जो कि 10 किसान हैं जिन्हें आप अपने FPO में ऐड करेंगे। ये किसान बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे जिनके आपको कुछ दस्तावेज और कुछ इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी होगी अपने CBBO को। FPO बनाने के लिए आपको हर किसान की इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। उनका नाम, उनका ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, कौन से ज़िले से वो हैं, कौन से ब्लॉक से, गांव का नाम, प्लस उनके सारे डॉक्यूमेंट्स। उन डॉक्यूमेंट्स में पैन कार्ड, आधार कार्ड, आईडी प्रूफ के तौर पे उनका वोटर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, साथ में एड्रेस प्रूफ के तौर पे उनका बैंक स्टेटमेंट। ध्यान रखने वाली बात यह है कि बैंक स्टेटमेंट 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। एक्टिव बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत रहेगी जिसका आपका सही एड्रेस लिखा हुआ हो। एक जो ज़रूरी दस्तावेज इसके लिए रहेगा वो है आपका लैंड रिकॉर्ड या फिर फर्द की कॉपी। तो फर्द की कॉपी या फिर लैंड रिकॉर्ड की कॉपी आप पटवारी से निकलवा सकते हैं। वो आपकी कॉपी पे आपके नाम पे ज़मीन शो होनी चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने CBBO को सबमिट करने हैं, जो आपके तरफ से ये सारे डॉक्यूमेंट्स सरकार को आपका FPO बनाने के लिए आगे भेज देगी। ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपके जो FPO बनने की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। FPO बनाने से संबंधित किसी भी तरीके की जानकारी के लिए हमसे यानी कि HFM से संपर्क कीजिए। धन्यवाद।